यूपी चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार थम चुका है। 20 फरवरी को वोटिंग के लिए तैयारी हो चुकी है। वहीं अब सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने उन सीटों पर नजर गड़ा दी है जहां चौथे चरण में 23 फरवरी को वोटिंग होनी है। तो कैसा रहा आज का सियासी पारा, देखिए रिपोर्ट। यूपी में कल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान होना है, वहीं चौथे चरण के लिए प्रचार का बिगुल भी बज चुका है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में एक दूसरे को मात देने के लिए सियासी दल एक दूसरे की नाकामियों को गिनवाने में लगे हुए हैं। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने लखीमपुर खीरी मामला उठाते हुए बीजेपी की घेराबंदी की। अखिलेश ने लखीमपुर खीरी मामले को आजाद भारत में जलियांवाला बाग मामला बता दिया। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी कांड आजाद भारत में जलियांवाला बाग कांड की तरह हुआ है, जिसमें किसानों को कुचल दिया गया। वहीं बीजेपी की घेराबंदी करने के लिए आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी रायबरेली में थी। रायबरेली की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने का वादा किया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा कि आधी आबादी की बात पार्टियां क्यों नहीं कर रही हैं? महंगाई और समाज का बोझ कौन उठाता है? ये लोग सोचते हैं कि महिलाओं को एक गैस सिलेंडर दो और वो खुश हो जाएंगी। योगी सरकार पर निशाना साधने में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी पीछे नहीं है। अंबेडकर नगर में पार्टी का प्रचार करते हुए बीएसपी प्रमुख ने कहा कि बीजेपी की सरकार में यूपी की जनता को कुछ नहीं मिला। प्रदेश में विकास एक व्यक्ति विशेष और एक समुदाय तक सीमित रह गया है। बीजेपी के साथ साथ मायावती के निशाने पर सपा और कांग्रेस भी थी। उन्होंने कहा कांग्रेस दलितों के वोटों के खातिर किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है। वहीं सपा की सरकार में प्रदेश में सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण खत्म कर दिया गया था। एक और विपक्ष बीजेपी को घेरने में जुटा है, तो बीजेपी के पक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया कि यूपी में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा आतंकवाद को सपा बसपा और कांग्रेस मिलकर भी साफ नहीं कर सकती है, इसे केवल बीजेपी ही समाप्त कर सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।